खबर दुर्ग से है। दुर्ग सब्जी मंडी में थोक सब्जी व्यापारियों को अपना माल मंडी के बाहर बेचना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है अल सुबह 4 बजे लगने वाली बोली। कोरोना काल में सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन कर सुबह 4 बजे कर दिया गया था, मगर अब कोरोना काल खत्म होने के बाद भी इस समय में परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे किसान व सब्जी व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर से सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन कर सुबह 9 बजे करने की मांग की है। कलेक्टर ने भी व्यापारियों की मांग पर नीलामी के समय में परिवर्तन कर उसे 9 बजे कर दिया, मगर मंडी के दलालों ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए समय में परिवर्तन नहीं किया और सुबह 4 बजे ही सब्जी की नीलामी की जा रही है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने अपना माल मंडी के बाहर बेच कर विरोध जताया। दूसरा दिन है, किसान अपने खेतों की ताज़ी सब्जी लेकर के थोक सब्जी मंडी में बेचने 9 बजे पहुँचे, जैसा कि प्रशासन का आदेश है कि मंडी में नीलामी 9 बजे से चालू होगा स्थानीय बाड़ी की सब्जियों का। मगर 2 दिन से शासन प्रशासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अंदर में जो थोक सब्जी के दलाल हैं वो 7-8 बजे तक नीलामी समाप्त कर देते हैं, इनका माल आता है 9 बजे, इनका माल बिकवा नहीं पा रहे हैं। तो किसान अपना अपने बाड़ी का ताज़ा सब्जी लेकर के यहाँ आम उपभोक्ताओं को बाज़ार से कम रेट में दे रहे हैं, और किसानों को भी फायदा ये हो रहा है कि अंदर मंडी में दलाली हमाली देना पड़ता है, तो बाहर माल बेचने से न दलाली है न हमाली है। तो ये बाज़ार ऐसा है जिसमें किसानों को भी फायदा है और आम उपभोक्ताओं को भी फायदा है, कुल मिलाकर के कामयाब भी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मांग रही थी कि कोरोना के पहले जो समय रही दोपहर वाले मंडी, वो समय हमला दे दिया जाए, काबर के अब कोरोना काल भी खत्म हो गए, आदमी स्वतंत्र है। तो ये हमारा सुबह मंडी में बहुत समस्या होते मैडम, सुबह भी 4 बजे से चालू हो जाते, ये में हमारा भाजीपाला वाले विशेष दिक्कत है, हमारा भाजीपाला पूरा ख़राब हो जाते, ना वो बेचे के लिख रहा है ना खाए के लिख नहीं रहा है। सुबह तक हमारे बाहर बैठे उद्देश्य ये है रे कि मंडी प्रशासन ने कलेक्टर आदेश करे रही थे कि 9 बजे से किसानों का माल बेचा जाए, तो मंडी प्रशासन का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे मेरे बैठे कारण है कि मंडी प्रशासन या कलेक्टर ये आदेश करे है वो अपन आदेश के पालन करे, हमला मेरे बैठे के शौक नहीं है, अपन आज हमला हमारे समय दे दे, हम मंडी में ही माल बेचबो, ये मेरे बैठ के हम नहीं बेचें।